Welcome back to my channel, Nilo's Classroom of Tuna Seeking. Hello friends, welcome back to my channel. आज हम देखेंगे subtraction of liter and milliliters. So, always remember, we have to subtract first the milliliters and then the liters. First smallest unit, then biggest unit. Like first ones, then tens. So, sample देखते हैं. This is liter and this is ml, milliliters, minus 373 liters, 160 milliliters. So 0 minus 0, 0, 8 minus 6, that is 2, 2 minus 1, 1, 4 minus 3, that is 1, 15 minus 7, 5 minus 7. तो 5 जो है 7 से छोटा है, तो हम उसके पहले वाले नंबर से 1 नंबर बोरो कर लेंगे. तो हम यहां से 1 बोरो करेंगे, तो ये बन जाएगा 15, 15 minus 7, 8. यहां से एक नंबर हमने ले लिया था, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 6, तो 6 minus 3, 3. तो our answer is 381 liters and 120 milliliters. एक और example देखते हैं. एक और example देख लेते हैं. 650 liters and 260 milliliters minus 259 liters minus 260 मिलीलीटर्स. अब इन दोनों कैपेसिटी को हमें सब्सट्रैक्ट करना है. सो फर्स्ट मिलीलीटर करेंगे 0 minus 0, दैट इज 0, 6 minus 6 इज 0, 2 minus 2 इज 0, 0 minus 9, 0 9 से छोटा है, तो 1 हम यहां से बोरो करेंगे, तो 10 minus 9 इज 1, here it become 1 ले लिया, तो यहां 4 हो गया, 4 5 से छोटा है, फिर हम यहां से एक बोरो करेंगे, and become 14, so 14 में से 5 माइनस गया, 9, यहां से 1 बोरो कर लिया था, तो it become 5, तो 5 minus 2, that is 3, तो यहां पे हमारा क्या आंसर आया, 391 लीटर्स. सो इस तरीके से हमें सब्सट्रैक्शन करना है, जिसमें फर्स्ट हमें ml को सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद लीटर्स को. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.